And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them. Burn them. What is money you be making? I'ma burn them. तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले के साथ वापस। और इस वाले गेम प्ले में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस वाले गेम प्ले में हमारे होने वाले हैं गाइस 21 किल। तो आपको पता है तबाही इसमें बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और आज हम बताने वाले हैं आपको इसमें सबसे बेस्ट गन कॉम्बिनेशन कौन होने वाला है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तब तक के लिए आप ये वाला मेरा कलर देखिए। और यहाँ पर ये तीन ही बंदे आए हुए थे, तो इन तीनों को तो भाई बहुत ही आसानी से मार देता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला कि मैं अपना बेस्ट गन कॉम्बिनेशन कौन चलाता हूँ। इससे पहले ये वाला बंदा आ जाता तो इसको भी निपटा देते हैं। तो मैं आपको अगर प्रॉपरली यूज़ बताऊँ तो मैं आपको यहाँ पर फाल चलाते हुए देख रहा हूँ, मैं स्कारा चलाता हूँ। यही मेरी बेस्ट गन्स है जो कि मैं अपने हर एक वीडियो में चलाता हूँ, क्योंकि मैं फाल को क्लोज रेंज के लिए यूज़ करता हूँ और स्कारा को मैं लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे कि मेरा बहुत ही अच्छा गन कॉम्बिनेशन हो जाता है और मैं इससे बंदों को आसानी से मार देता हूँ। और यहाँ पर मैंने शुरुआत में जिस बंदे को मारा था वही बंदे वापस से आ रहे थे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस वाली वीडियो में एक बंदे को मैंने गए 10 बार मारा है, 10 बार। और ये वही वाला बंदा है जिसको मैंने 10 बार मारा है। इसका नाम डार्क मोंटे ऐसे कुछ नाम था। इसको गाइस ये हमेशा मेरे पास आता हूँ और मैं हमेशा इस बंदे को मारता हूँ, और ये भाई कभी भी नहीं मुझे मार पाता, मैं इसको हर बार मार देता हूँ। तो गाइस एक मेरा ये न्यू रिकॉर्ड है। अगर आपने कभी इतने बंदे को किसी से ज़्यादा बार मारा हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने तो गाइस इसको 10-10 बार मारा है, और ये फिर से ऊपर वही बंदा आ रहा है। तो अभी देखना इसको फिर से कैसे मारेंगे। और यहाँ पर ये बंदा जैसे ही लैंड करता है गाइस, मैं इसको पहले से ही मुर्गा बना देता हूँ। उसके बाद इसे आसानी से मार देता हूँ। इसको मारने के बाद सीधा मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर वही बंदा गाइस फिर से आ चुका है, और ये बंदा भाई मेरे से बार बार मर रहा था लेकिन ये कभी भी मेरे को मार नहीं पाता। इसलिए इसके लिए एक सब्सक्राइब बनता है ना गाइस, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना। भाई मैं इसको इतनी गंदी गंदी मौत मारता हूँ तब भी ये मेरे पीछे पड़ रहता है। कहीं पे जाके सेफ खेले, अच्छे से खेले, तब आके मेरे से फाट के, लेकिन नहीं, इसको मेरे पास ही करना है। कोई बात नहीं, सीधा वहाँ से मैं इधर आता हूँ। इधर कोई टाइटन को इसने इधर कोई डैमेज कर रखा था, उसको मारने के बाद सीधा अभी देखना मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला है। यहाँ पर जैसे मैं इसकी पेटी को लूटता हूँ, उसके बाद मेरे को यहाँ पर दो दो बंदे आ जाते हैं। फिर देखो उन दोनों को कैसे निपटाता हूँ। और फिर से इस वाले बंदे को यहाँ पर मुर्गा बना के असर से मार, तभी मेरे को पीछे से मारता है। और यहाँ पर इसको मारने के बाद मेरे यहाँ से 12 किल हो चुके थे। और ये समर आपको बंदा दिख रहा है ना गाइस, ब्लैक सूट वाला, ये आप क्या करेगा, ये सीधा उतर के यहाँ से RPG लेके आएगा, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाता। और इस वाले बंदे का क्या हुआ था मेरे को ज़रूर बताना। यहाँ पर अटक सा गया था और इसका हाथ पता नहीं टेढ़ा कैसे हो रहा था, ये मेरे को नहीं पता। और तभी फिर से वही भाई डार्क मोंटे वाला बंदा आ जाता है, फिर इसको भी निपटाना तो बनता है ना। और मेरे पास इसने मुर्गा कर दिया, जब मैं जैसे जाता हूँ लेकिन मैं फिर से वापस मुड़ जाता हूँ। अब इसके बाद इसको अब भाई ये भागने वाला बंदा कैसे मरेगा देखो। इसके यहाँ पर मैं 2-3 गोली बुलेट मारता हूँ, मर जाता है। और यहाँ पर मैं फाल क्लोज के लिए इसलिए मैं लगा मतलब कि यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा डैमेज अच्छा है। और स्कारर को मैं लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे कि मेरा स्कोप नहीं हिलता है।
इसलिए मैं यहाँ पर फाल को यूज करता हूँ क्लोज में और स्क्वायरल को लॉन्ग में, तो मेरा बेस्ट बॉन कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर आपको भी चलानी अच्छी गेंद तो आप यही कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। आप फाल, उसके बाद समर के पास आरपीजी थी लेकिन मैं इसको आसानी से अपनी स्क्वायरल से मार देता हूँ। इसके बाद इस वाले बंदे को जैसे मैं डैमेज देता हूँ, अभी देखना आगे इसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं पहले पेटी लूटने जाता हूँ समर की, और उसके बाद समर भैया यहाँ पर तो ऊपर चले गए थे, लेकिन वहाँ पर देखो काका का क्या होने वाला है। वहाँ पर मैंने पहले से ही अपनी मशीन को रख दिया था जो वो फायर करती है, और यहाँ पर मैंने काका को पहले से ही डैमेज दिया था जिससे कि वो बंदा वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद फिर से भाई समर ऊपर से आ रहा था, अब देखना इसको कितना तगड़ा वाला मारने वाले हैं। अगर इसके लिए तो आपको एक सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइज, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। गाइज उसको मैंने हवा में ही मार दिया, कितना तगड़ा स्प्रे था मेरा, इसको मैंने नीचे उतरने तक नहीं दिया, उसको हवा में ही मार दिया। यहाँ पर इसको मारने के बाद मैं सीधा इधर से निकल लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अब मेरे साथ डार्क मोड वाला बंदा क्या करने वाला है। भाई साहब इसने तो मेरे को मारते मरते तक बच गया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फेंक दिया था डांस ग्रेनेड, लेकिन इसके पास पता नहीं कहाँ से भाई ये वाली गन आ जाती है जो कि बंदे के पास रहती है। और तभी भैया यहाँ पे राइडर भाई को क्या हो गया था कि ये पहले ही भाग रहे थे बिना मुझसे फायर किए, तो हमने भी इनको पकड़ के भाई सीढ़ियों पर ही इनको निपटा दिया। उसके बाद सीधा यहाँ से पकड़ लेते हैं, हम इनकी पेटी को लूटते हैं और सीधा भाई चढ़ जाएंगे हेलीकॉप्टर पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो अपनी UID हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।